और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बनारसी मेघवाल का दुखद निधन हो गया। आपको बता दें कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री थी बनारसी। सुजानगढ़ में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जयपुर लाया जा रहा था, लेकिन चौमू से आगे अचानक तबीयत खराब हो जाने के चलते उन्हें मणिपाल अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया, लेकिन मणिपाल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बनारसी का दुखद निधन हो गया है। यहाँ मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री थी बनारसी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निधन पर गहरी संवेदना जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। सुजानगढ़ में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जयपुर लाया जा रहा था, लेकिन चौमू से आगे अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो गई। और खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पूरा मामला बताइए। देखिए अंकुर, आज बनारसी देवी है, उनकी तबीयत पिछले 2-3 दिन से खराब चल रही थी, तो एक बार फिर हम विकास से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। और खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पूरा मामला बताइए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री का निधन हो गया है। आपको बता दें कि सुजानगढ़ में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसके बाद उन्हें जयपुर लाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें मणिपाल में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके निधन पर यहां गहरी संवेदना जताई है। तो बनारसी मेघवाल का दुखद निधन हो गया है। आपको बता दें कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री थी बनारसी मेघवाल, और आपको बता दें कि उन्हें तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद जयपुर लाया जा रहा था, लेकिन चौबू से आगे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल में यहां भर्ती करवाया गया मणिपाल में, और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। विकास, पूरा मामला बताइए। देखिए, जो बनारसी देवी है उनकी पिछले 2-3 दिन से तबीयत ज्यादा खराब जी। आज सुबह SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, उनसे उन्होंने फोन पर बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह की उनको दिक्कत हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है। उसके बाद में डॉक्टर्स के जो सुझाव है उसके आधार पर ही उनको जयपुर ले जाया जा रहा था, क्योंकि जैसे उनको जयपुर ले जाने का कार्यक्रम बना उससे पहले उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई थी और उनको जयपुर ले जाया जा रहा था। यहाँ पर उनको RVHS अस्पताल जो है वहाँ पे उनको भर्ती कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन चौमू के आगे पहुंचते ही उनकी हालत ज्यादा खराब हुई। ऐसे में उनको आनंद फानंद के अंदर RVHS अस्पताल के बजाय रास्ते में ही मणिपाल हॉस्पिटल जो है वहां ले जाया जाए, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अभी जो बात हुई है परिजनों से, तो अभी वापस से जो बनारसी देवी है उनको उनका शव जो है उसको सुजानगढ़ ले जाया जा रहा है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी विकास, तो इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि बनारसी मेघवाल का इस वक्त दुखद निधन हो गया है। मास्टर भंवरलाल की पुत्री थी बनारसी मेघवाल, और सुजानगढ़ में उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें जयपुर लाया जा रहा था, और चौमू से आगे आते वक्त उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो अब थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार भी होगा। विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बनारसी मेघवाल का दुखद निधन हो गया है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री थी बनारसी देवी, तो सुजानगढ़ में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जयपुर लाया जा रहा था, लेकिन चौमू से आगे उनकी अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसके चलते उन्हें मणिपाल अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां जो डॉक्टर है उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गहरी संवेदना जताई है। तो इस वक्त की ये बड़ी दुखद खबर है, बनारसी मेघवाल का भारी निधन हो गया है। और ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी संवेदना जताई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी की पुत्री और कांग्रेस नेत्री जो है उनके निधन पर उन्होंने
यहां गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बेहद दुखद कठिन समय में शोकाकुल परिजनों को संबल दें और दिव्यांगत आत्मा को यहां शांति प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गहरी संवेदना अपनी यहां व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर यहां शोक जताया है। तो ये तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी दुखद खबर है। बनारसी मेघवाल का दुखद निधन हो गया है और सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके अपनी गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि शोकाकुल परिजनों को भगवान संबल दे और दिव्यांगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो मास्टर भवरलाल मेघवाल की पुत्री बनारसी मेघवाल का दुखद निधन हो गया है। आपको बता दें कि बीमारी के चलते अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उन्हें जयपुर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ज्यादा तबीयत खराब होने के चलते उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसके बाद अब थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। तो मास्टर भवरलाल मेघवाल के परिवार के लिए ये बड़ी दुखद खबर है, बड़ा कठिन समय है। तो बनारसी मेघवाल का दुखद निधन हो गया है और सीएम अशोक गहलोत ने इस पर गहरी संवेदना अपनी व्यक्त की है और ट्वीट करके शोक जताया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवरलाल मेघवाल जी की पुत्री और कांग्रेस नेत्री तथा जिला प्रमुख रही डॉक्टर बनारसी मेघवाल के आकस्मिक एवं असामयिक निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बेहद कठिन समय में शोकाकुल परिजनों को संबल दें और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तो इस वक्त की बेहद दुखद खबर है। और हमारे सहयोगी संजय प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बेहद दुखद खबर है ये मेघवाल परिवार के लिए। फिलहाल क्या कुछ वहां पे हालात है, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जानकारी मिलते ही सुजानगढ़ के अंदर शोक की लहर छा गई और मास्टर भवरलाल के घर पर भी लोगों का जमावड़ा लग गया है। जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं और उनके घर के इर्द गिर्द लोगों की संख्या इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। मास्टर भवरलाल को ब्रेन हेमरेज होने की वजह से वो पहले ही दिल्ली मेदांता अस्पताल के अंदर भर्ती है, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए। उनकी देखरेख के उनकी बेटी बनारसी मेघवाल कर रही थी, जो पहले भी जिला प्रमुख रही थी और अब कांग्रेस में भी चूरू जिले में जिला प्रमुख की दावेदार मानी जा रही थी और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को अच्छी तरीके से संभाल रही थी, लोगों की जन समस्याएं सुन रही थी और गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों दिलाने के लिए वो सक्रिय थी। इस बीच बीच में वो अपने पिता की देखभाल के लिए भी दिल्ली में भी समय दे रही थी। आज उनके बीमार होने की खबर सुबह मिली और बनारसी जो मेघवाल है जी, उसके सांस लेने में दिक्कतें हो गई और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर एम्बुलेंस से ले जाया गया जी। और उस वक्त भी उनको ऑक्सीजन लगा के ले जाया गया था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी दुखद खबर हमें सुनने को मिलेंगे और इस परिवार पर यह दोहरा कुटारा घात है। मास्टर भवरलाल कैबिनेट मंत्री है, ब्रेन हेमरेज से जूझ रहे हैं और धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधार की हमें हल्की खबरें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त विधायक कृष्णा पुनिया जुड़ गई हैं। कृष्णा पुनिया जी, फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की ये बेहद दुखद खबर है, मास्टर भवरलाल मेघवाल की पुत्री का यहाँ दुखद निधन हो गया है। फिलहाल क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं खुद स्तब्ध हूँ इस सूचना को सुन के, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। दो दिन पहले मेरी वार्ता बनारसी जी से हुई थी चुनाव को लेकर भी जी। और वो अपने गुड़गांव से मास्टर भवरलाल जी के साथ ज्यादा रहती थी और वो चुनाव से संबंधित मीटिंगें लेने के लिए आने के लिए वो वार्ता कर रही थी, जैसे कि उन्होंने मीटिंगें भी सुजानगढ़ में ली है जी। और मुझे लगता है कि एक अच्छी नेत्री का जाना इस तरीके से चले जाना, मास्टर भवरलाल जी का भी जिस तरीके से उनके ऊपर जो आघात हुआ वो भी बेड पे हैं, तो हम एक कांग्रेस परिवार के लिए ये बड़ी दुखद घटना है।
जो अपने परिवार को संभाल रही थी, साथ में राजनीतिक दायित्व भी वो संभाल रही थी जी। और ऐसे में इस परिवार के साथ ये घटना होना बहुत ही दुख है। मैं यहाँ ज्यादा तो क्या कहूँ, क्योंकि मैं खुद इतना स्तब्ध हूँ कि ये क्या हो गया एकदम से। मेरी संवेदनाएं हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जी। जी बिल्कुल कृष्णा जी, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और साथ ही आपको बता दें कि मेघवाल परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा दुखद परिवार है, क्योंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल भी इस वक्त अस्पताल में, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं ब्रेन हेमरेज के चलते। तो इस वक्त ये बहुत बड़ा जो संकट का समय है वो मेघवाल परिवार पर आ गया है। कृष्णा पुनिया जी, आप बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।